फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ और आज हम बनाने जा रहे हैं एक टाइमग्राम जो मैंने आज से ठीक 2 साल पहले बनाया था जब मैं 5th स्टैंडर्ड में था और अभी मैं आ चुका हूँ 7th स्टैंडर्ड में। तो पहले हमने बनाया था एक कैट पैटर्न और इस बार हम बनाने जा रहे हैं कुछ अलग। क्या आप गेस कर सकते हैं क्या है? तो वो है एक डॉग। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एक डॉग पैटर्न और आगे मैं आपको लेके आऊंगा एक डक पैटर्न और एक डायनासोर पैटर्न। तो अगर आपको ये दोनों पैटर्न्स चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये दोनों पैटर्न्स में से कौन सा पैटर्न सबसे अच्छा लगता है। और जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाना यार, और नोटिफिकेशन वाले बिल को जरूर दबाना ताकि आपको मेरे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशन का पता चले। तो चलिए आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ इस गेम के बारे में। तो ये खेला जाता था गेम, ये वाला गेम, 1000 years ago चाइना में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसके रिक्वायरमेंट्स रख दिए हैं। मैं आपको एक एक करके बताऊंगा क्या चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक सिंपल A4 साइज शीट चाहिए। आप कोई भी कलर शीट भी ले सकते हैं बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा A4 साइज शीट लीजिए, क्योंकि अगर आप ये लेंगे तो फिर आपका जो ट्रायंगल्स है वो उभर के आएगा। और मैंने लिया है टेप बॉर्डर्स पे डालने के लिए सो दैट वो अच्छा लगे। और यहाँ पे मैंने फेविकॉल लिया है, आप यहाँ पे ग्लू स्टिक भी ले सकते हैं, और एक सिंपल स्केल और कुछ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स कितने लिए और किस साइज के लिए वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको पैटर्न दिखा देता हूँ। ये मेरी बुक है जिसमें टाइमग्राम का पैटर्न है, आप देख सकते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं ये एक पैटर्न जो है डॉग। पहले हमने बनाया था ये कैट पैटर्न और उसके बाद हम बनाएंगे ये डायनासोर पैटर्न और उसके बाद एक डक पैटर्न। तो फिलहाल के लिए हम अभी डॉग पैटर्न बनाएंगे। तो कितने ट्रायंगल्स चाहिए वो बोल देता हूँ। 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल्स चाहिए स्मॉल साइज के, एक पैरेललोग्राम चाहिए, एक आप देख सकते हैं, एक स्क्वायर और 2 राइट एंगल ट्रायंगल, एक और ये 2, और ये भी स्मॉल साइज के ही हैं। तो मीडियम साइज के ट्रायंगल्स, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, और एक लार्ज साइज ट्रायंगल जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इन सब को रखते हैं साइड में। तो पहले तो हमें अपना टेप लेना है और टेप को बॉर्डर्स पे कुछ ऐसे सब बॉर्डर्स पे बांध देना है। और अभी टेप ढूंढनी पड़ रही है, मिल गई। और फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप एंड तक नहीं देखेंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको बॉर्डर पे ये लगाना है। तो पहले मैं इसको बॉर्डर पे लगा के आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? तो चलिए इसको बॉर्डर पे लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको इसके लिए सीजर भी चाहिए। और मैं आपको टेप इसलिए लगाने को बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप अपने टेप को बॉर्डर पे लगाते हैं तो फिर वो आपके प्रोजेक्ट को एनहांस करेगा। तो मैं अभी इसको सही से लगा देता हूँ टेप को, एंड फ्रेंड्स इट्स योर विश कि अगर आपको टेप लगाना है कि नहीं, पर मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि आपको लगाना ही चाहिए टेप जो भी प्रोजेक्ट हो।
और फ्रेंड्स आज हम जो टैंग्राम बना रहे हैं हम बिल्कुल उसी स्टाइल में बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाया था। और आपने पहली वाली वीडियो पे बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाया क्योंकि उसमें 2K से ज़्यादा व्यूज थे। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पार्ट है हम इसे पीछे की तरफ फोल्ड करते हैं क्योंकि यार अगर आप काटोगे इसे तो कभी मैं भी काटता था इसे और मेरा पूरा प्रोजेक्ट का बॉर्डर ही कट जाता था। लाइक मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, मैं ऐसे काटने जाता था और इसका कॉर्नर ही कट जाता था। और अभी हम सेम चीज़ सबके साथ करेंगे, तो चलिए मैं इसको सबके साथ करने जा रहा हूँ, आप बस वेट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स मैंने टेपिंग कर दी है, आप देख सकते हैं, आपको लग रहा होगा कि मैंने इसके साइड्स को बहुत प्रिसाइजली कट किया है, बट नहीं, आप पीछे देख सकते हैं मैंने इसे किस तरीके से फोल्ड किया है और ये बहुत अच्छा भी आया है, देखिए कितने शार्प कॉर्नर्स हैं। और फ्रेंड्स आपको एक अभी सिंपल सी पेंसिल ले लेनी है जो किसी के घर पे भी अवेलेबल होते हैं और स्केल का काम यहाँ पे है, कुछ स्केल ले लेना है और ऊपर एक लाइन ड्रॉ करनी है जहाँ पे हम मेंशन करेंगे कि हम क्या बना रहे हैं, टैंग्राम बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने इसे कर चुका हूँ और आपको पेन से लिखना है, मार्कर से लिखना है, जिससे भी लिखना है टैंग्राम आप लिख सकते हैं। मैं अभी यहाँ पे एक रेड कलर के मार्कर से लिखूंगा। तो फ्रेंड्स ये है वो रेड कलर का मार्कर और आप जान सकते हैं ये लग्जर का मार्कर है और यहाँ पे रेड कलर का है इसलिए आपको पता चल गया होगा। और हम लिखेंगे इधर टैंग्राम एकदम बीचों बीच में। और फ्रेंड्स हम पिछली बार हमने जैसे किया था हम एकदम उसी स्टाइल में करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं टैंग्राम लिख चुका हूं। तो फ्रेंड्स अभी हमारा ये पार्शियली कंप्लीट हो चुका है, पार्शियली क्योंकि हमने इसके बॉर्डर्स को लगा दिया है और हमने इसकी हेडिंग लिख दी है और हमारा 50% डन हो चुका है और हमें और 50% करना है ये शेप्स को पेस्ट कर। तो मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि शेप्स को कैसे पेस्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स अब आपको इन दोनों की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इनफैक्ट इन चारों की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं इसे अभी रख कर आता हूँ। लो हो गए ना गायब। और अब हम स्टार्ट करते हैं इन शेप्स को चिपकाना, तो उसके लिए आपको ग्लू की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि हम इसको पेस्ट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स जब हम इन शेप्स को चिपकाने जा रहे हैं जैसा कि आपको पता है, तो फर्स्ट आपको अपना लेना है स्क्वायर और मैंने यहाँ पे बुक को रेफर करूँगा, हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टली बना रहे हैं तो ग्लू से इसको चिपका देते हैं। और फ्रेंड्स अब मैं इसे बहुत अच्छी तरीके से पेस्ट कर दूंगा और इसे कुछ ऐसे पेस्ट करना है डायमंड की शेप में।
तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे पूरा बुक को कॉपी तो नहीं करूँगा, मैं थोड़ा सा डिफरेंस लाऊंगा। और अब आपको क्या करना है, आपको अपना आइसोसेलेस ट्रायंगल लेके कुछ ऐसे पेस्ट कर देना है। कुछ ऐसे जैसा कि आप देख सकते हैं, तो मैं इन्हें भी पेस्ट कर देता हूँ। तो पहले मैं राइट वाले कान को पेस्ट कर दूंगा। और सिंस ये हमारे डॉग का फेस है और ये दोनों उसके ईयर्स हैं, और दूसरे वाले को भी अब हम कर चुके हैं अपने डॉग की लेफ्ट ईयर। सॉरी फ्रेंड्स, हमारे घर की लाइट चली गई थी, तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। आप देख सकते हैं मैंने इसे किस तरीके से चिपका दिया हूँ। और फ्रेंड्स हमारे ये बहुत ज्यादा अच्छा बनने वाला है। और अब हमें इन सब शेप्स की रिक्वायरमेंट होगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब आपको अपना मीडियम साइज राइट एंगल ट्रायंगल लेना है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये सारे डिफरेंट कलर्स के हो तभी ये और अच्छा लगेगा। तो इसको कुछ ऐसे पेस्ट करना पड़ेगा। और फ्रेंड्स मैं यहाँ पे बुक के अकॉर्डिंग ही जा रहा हूँ।